आइए शुरू करते हैं। बूंदी के लिए बैटर तैयार करती हूँ। एक कटोरी बेसन है, आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ, एक चम्मच तेल डाल रही हूँ। इसको मिला लेते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए कि इसमें लम्स ना पड़े, लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। पूरी एक कटोरी पानी लग गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मैं इसको दो भाग में कर रही हूँ, एक में कलर डालूँगी, अब इसमें मैं कलर डालूँगी। ये मैं ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, मैंने एक पिंच कलर डाल दिया है और मैं इसको इस तरह से मिला लेती हूँ। आपके पास जो भी कलर हो, हरा हो या पीला हो या ऑरेंज हो, जो भी कलर आपके पास है तो आप डाल सकती हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं डालिए आप। मैं कलर डाला है और एक बिना कलर की बना रही हूँ। सेब बनाने के लिए एक कटोरी बेसन डाल रही हूँ, चम्मच नमक डाल रही हूँ। धीरे धीरे इसको पानी डालेंगे इस तरह से, और इसको डो तैयार करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। एक चम्मच के अनुसार मैं तेल लेती हूँ, ये हाथ में चिपक रहा है ना। सेव बनाने के लिए ये डो तैयार हो गया है। अब मैं कढ़ाई को गर्म करती हूँ। देखिए तेल कितना अच्छा गर्म हो गया है। आपके पास जो भी जाली वाली छन्नी हो आप उससे बना सकती हैं, छोटी बड़ी साइज की। देखिए इस तरह से अच्छे से छोटी छोटी सी बूंदी गिर रही है और बूंदी से बारिश हो रही है। अब मैं इसको अलग कर लेती हूँ, मैं कलछे से इसको चला देती हूँ। ये ज़्यादा गर्म है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा सेक गई है, अच्छा कलर आ गया है। इस तरह से सेकना चाहिए, ज़्यादा सेकेंगे तो जलने लगती हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए बूंदी बनके तैयार हो गई है। इसको पेपर में रख दिया, आपके पास टिश्यू पेपर हो आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि पूरा जितना एक्स्ट्रा ऑयल होएगा ना वो पूरा उसमें सोख जाएगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ सेव। बनाने के लिए ये डो तैयार हो गया है, इसे बनाती हूँ। छेद वाली झरिया होती है, आप उससे भी बना सकती हैं, या सेव बनाने के मेकर आता है आप उससे बना सकती हैं। देखिए इस तरह की आप लोई रखिए और इस तरह से आप दबाएंगी, मेहनत जरूर लगती है, बनते परफेक्ट है, बहुत अच्छे लगेंगे। इसको हाथ से अच्छे से दबा देना है। थोड़ा सा और लेती हूँ डो। देखिए कितने बढ़िया आ रहे हैं। जब सेव बनाएं तो गैस को हाई फ्लेम पर रखें। ये सीख गए हैं, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ज़्यादा डार्क नहीं सेकना है। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। सेव वाली मशीन से बना के आपको बताती हूँ। इसमें पहले मैं ऑयल लगाऊंगी चारों तरफ से, मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस जाली लगाती हूँ, ये पतली वाली जाली है। थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर मैं चिकना कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, इससे परफेक्ट बनेंगे। इतने अच्छे से सेव बन रहे हैं, देखिए। गैस को हाई फ्लेम पर रखें और बढ़िया अच्छे से, जितना तेल अपना खोलता हुआ तेल रहेगा उतना अच्छा ये क्रिस्पी बनेंगे। देखिए कितना बढ़िया बन गया है, परफेक्ट बना है। मैंने पलट दिया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। इतने अच्छे से सीख गए हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है। इसी तरह दूसरा बनाती हूँ।
ये सेव बन गए हैं, ये मोटे वाले हैं, ये पतले वाले हैं। ये मैंने दो प्रकार की बूंदी बनाई है, देखिए कितना अच्छा कलर आया। मैं इसी तेल में जिसमें हमने सेव बनाए थे उसी तेल में मैं मूंगफली फ्राई करती हूँ। एक छन्नी आती है जाली वाली, आप उसमें सेक सकती हैं, बहुत अच्छे से सिक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और गैस को हाई पे रखें, चम्मच की सहायता से इसको चलाते रहना है इस तरह से। और देखिए चटर चटर की आवाज़ आ रही है, बहुत आसानी से सिक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सिक गए हैं, मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। देखिए मैं पोहा डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डालिए और सिक जाएंगे तो वो खुद ही ऊपर उठ जाते हैं। देखिए सिक गए हैं, बहुत जल्दी सिकते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है। अब मैं इसी तरह दूसरा डालती हूँ, थोड़े थोड़े करके डालिए आप। ये देखिए एक कटोरी दाल लिया था, इसको मैंने धो के 6-7 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था। धो के फिर मैंने सूखे कपड़े में फैला दिया था, इसका पूरा पानी सूख गया है। फिर पेपर में डाल के इस तरह से फरारे हो गए हैं, देखिए पानी पूरा सूख गया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ, चम्मच से डालिए, हाथ से डालेंगे तो उचकती है इस तरह से, और इसको हिलाते रहिए, ये परफेक्ट सिक जाएगी। ये ना हो किसी के पास तो आप डायरेक्ट तेल में भी डाल सकती हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ, देखिए कितने अच्छे सिक गई है, ज़्यादा डार्क नहीं सेकना है। आपके पास झरिया नहीं हो तो आप इसमें डायरेक्ट डाल सकती हैं, इससे क्या है जल्दी भी हो जाते हैं। जब अच्छे से सिक जाएगी पूरी तरह से, ये फूल के ऊपर आ जाएगी। ये 2 मिनट तक इसको सेकना है, तभी ये क्रंची होगी तभी टेस्ट अच्छा आएगा इसका खाने में। नहीं तो आप कम सेकेंगे इसको तो ये मुलायम भी रह सकती है। देखो मैंने आपको 2-2 बार हर चीज़ आपको ये समझाया है, इसलिए कि आप अच्छे से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। ये सिक गई है मेरी पूरी तरह, बबल्स आने बंद हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अचार बनाने के लिए मैं मसाला तैयार करती हूँ। मैं 1 चम्मच काली मिर्ची लेती हूँ, 4 से 6 लौंग ली है, और 1 चम्मच जीरा लेती हूँ। मसाला तो आप अपने स्वाद के अनुसार आप बना सकती हैं। 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1/6 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। मिक्सचर बनाने के लिए मसाला बहुत ज़रूरी होता है, मसाला तो अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकती हैं। मैं 1 पिंच हींग भी डाल रही हूँ। हींग आपको अच्छी लगे तो डालें और नहीं लगे तो आप मत डालें। मैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ, मैं इसको पीस लेती हूँ। ये मसाला बढ़िया परफेक्ट बना है। ये मैंने बंगाली चना चूर बनाने के लिए मैंने सामान तैयार कर लिया है। ये मैंने 1 कटोरी बेसन से ये सेव बनाए हैं, इसको मैं तोड़ लेती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी है, इसको अच्छे से क्रश कर लेना है इस तरह से। और अब मैं बूंदी डालती हूँ इसमें। कटोरी बेसन लिया था मैंने, 2 भाग में बांट लिया था, इसमें कलर डाल दिया था और ये बिना कलर वाली हैं, ये भी 1 कटोरी से बनी हुई है। मोटे वाले सेव है, कलछी से बनाया था ये, इसलिए ये मोटे हैं। ये 1 कटोरी मूंगफली दाना है, इसको भी मिला लेते हैं। और ये 1 कटोरी पोहा है, इसको भी मिला लेते हैं। 1 कटोरी चना दाल है, इसको भी मिला लेते हैं। मिक्सचर में तैयार कर रही हूँ, मेरे पूरे मिला दिया है। अब मैं ये कड़ी पत्ता है उसको सेक लिया था तेल में और मैंने क्रश कर लिया है, 1 चम्मच मिलाऊंगी। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अब मैं 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालूंगी, इसको मिला लेते हैं इस तरह से।
आप इसको बना के रख सकती हैं एक से दो महीने तक, एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकती हैं इसको, ये ख़राब भी नहीं होती है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही रहता है मार्केट जैसा। आप एक बार बना के और ट्राई करके देखिए तो हमारी नमकीन कैसी लगी और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। नमक मिर्ची मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, मसाला कम लगे तो आप डाल सकती हैं। ये मैंने बंगाली चना चूर बना के तैयार कर ली है, ये पूरी परफेक्ट बनी है, ये नमक मिर्ची बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकती हैं, कम या ज्यादा कर सकती हैं। अगर मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। थैंक यू।